छात्रा थे। श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए और हमारी वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए। अभी तक आप लोग जो देख रहे थे वो हमारे 125 प्रश्नों की फटाफट रिवीजन श्रृंखला देख रहे थे। वो श्रृंखला आपके लिए ऐसे ही आती रहेंगी, पर आज जो मैं वीडियो लेकर के आपके लिए आई हूँ वो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक साथियों ये है महत्वपूर्ण कला अकादमी एवं दीर्घाएँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ललित कला अकादमी नई दिल्ली के विषय में, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं ललित कला अकादमी का क्या है इम्पोर्टेंस। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की जो स्थापना हुई थी वो 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। इसका जो उद्घाटन किया था उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। तो इसमें आपको दो चीज़ें इम्पोर्टेंट मिली। पहली तो इसकी स्थापना वर्ष जो है ये जरूर पूछता है, 5 अगस्त 1954 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसका उद्घाटन किया था वो किसने किया था, तो इसका उद्घाटन जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। तो ये दो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके जो क्षेत्रीय केंद्र हैं ललित कला अकादमी के, तो क्षेत्रीय केंद्र इसके चार हैं। पहला लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई और भुवनेश्वर, ये चार महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्र हैं। साथियों इसके जो ललित कला अकादमी के उप केंद्र भी हैं, तो उप केंद्र भी इसके चार हैं। कौन कौन से हैं? शिमला, अहमदाबाद, अगरतला और पटना, ये चार इसके उप केंद्र हैं। देखिए ललित कला अकादमी जो है महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी छापती है, तो उसमें कौन कौन सी पत्रिकाएं इसकी निकलती हैं? ललित कला कंटेम्परेरी, ये जो पत्रिका है वो अंग्रेजी में निकलती है, और जो दूसरी है इसकी समकालीन कला, ये हिंदी में प्रकाशित होती है, जो ललित कला अकादमी के द्वारा प्रकाशित करवाई जाती है। एक निकलती है ललित कला एंशिएंट, ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूछता है समकालीन कला कहाँ से प्रकाशित होती है। तो इस तरह से आपको प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में। और आइए देखते हैं ललित कला अकादमी के जो क्षेत्रीय केंद्र के सचिव हैं वो कौन है? वेणुगोपाल पराशर, इनको मुख्य रूप से आप समझिए कौन है, ये क्षेत्रीय केंद्र के सचिव हैं वेणुगोपाल पराशर, और ये क्या है, ये मूर्तिकला पर्यवेक्षक भी इनको नियुक्त किया गया है। और इसके जो ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष हैं वो नंदलाल ठाकुर हैं, और जो अभी हाल ही में बने हैं ललित कला अकादमी नई दिल्ली के नए अध्यक्ष प्रोफेसर वी नागदास, ये अभी इनको हाल ही में बनाया गया है उत्तम पचारने के बाद। तो ये है प्रसिद्ध छापा कलाकार हैं। और आप ये जानिए ललित कला अकादमी की जब स्थापना हुई थी उस समय प्रथम अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? डीपी राय चौधरी को इसका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और इसके बारे में और जानिए, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के जो वर्तमान सचिव हैं वो हैं रामकृष्ण वेदाला, और ललित कला अकादमी के जो प्रथम सचिव नियुक्त किया गया था तो वो थे वार्ता वकील। तो इतनी चीजें आप लोगों ने जानी। आगे और देखते हैं, प्रारंभ में इसका कार्यालय जो बनाया गया था वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी जो नगमा है हमारा, उसमें जो जयपुर हाउस है, जयपुर हाउस नई दिल्ली के भवन में ही इसका कार्यालय बनाया गया था, और बाद में 1961 ईस्वी में ये वर्तमान भवन रविंद्र भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बारे में और जानिए, प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी त्रैवार्षिकी भारत, जो अक्सर पूछता है जिसको त्रिनाले इंडिया भी बोलते हैं इंग्लिश में, का आयोजन भी 1968 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। त्रैवार्षिकी भारत का जो प्रारंभ हुआ 1968 ईस्वी में हुआ, और ये जो है जो इसका पहला पुरस्कार जो मिला था, प्रथम पुरस्कार त्रिनाले इंडिया का, वो मिला था तैयब मेहता को। तैयब मेहता को त्रिनाले इंडिया का प्रथम पुरस्कार दिया गया था। ये जो अकादमी है ललित कला अकादमी, ये कला संवाद नामक जनरल तथा 2 सामयिक ललित कला तथा ललित कला कंटेम्परेरी भी प्रकाशित करती है। तो इतनी चीजें आप लोगों ने जानी। एक बार फिर से इसका एक रिवीजन फटाफट कर लीजिए।
ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 5 अगस्त 1954 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा किया गया था। इसका जो उद्घाटन किया था वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। इसके जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वो 4 हैं, इसको आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। आप जो है क्षेत्रीय केंद्र अक्सर जो है भूल जाते हैं, देखिए इसको आप शॉर्ट में ट्रिक के द्वारा भी इसको याद कर सकते हैं। आप इसको याद कर लीजिए, चेको भूल, चेको भूल, चेको भूल, 4-5 बार जब आप बोलेंगे तो ये हो जाएगा चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर और लखनऊ, ये 4 हो जाएंगे, ये आपको फिर भूलेगा नहीं। इसके उप केंद्र हैं शिमला, अहमदाबाद, अगरतला और पटना। इससे कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं? ललित कला कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में, समकालीन कला हिंदी में और ललित कला एनसीएल। इसके जो क्षेत्रीय केंद्र के सचिव हैं ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये है, तो लेकिन आप जानते रहिए क्योंकि जो है जो परीक्षा का पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हुआ है, तो आप छोड़िए कुछ भी नहीं, सब कुछ जानिए। क्षेत्रीय केंद्र के जो सचिव हैं वेणुगोपाल पराशर, ये मूर्तिकला पर्यवेक्षक भी हैं। इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो नंदलाल ठाकुर हैं और इसके जो ललित कला अकादमी के नए अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए वो प्रोफेसर वी नागदास, इनको जान लीजिए कि ये प्रसिद्ध छापा कलाकार हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष थे डीपी राय चौधरी। ललित कला अकादमी के वर्तमान सचिव रामकृष्ण वेदाला, प्रथम सचिव वरदा वकील थे। और ये जो प्रत्येक 3 वर्ष में ये पूछता है कि त्रिनाले जो है कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है, तो त्रिनाले जो है वो 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। त्रैवार्षिकी भारत के नाम से बिनाले भी आयोजित किया जाता है, बिनाले जो है वो 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है, त्रिनाले 3 वर्ष में। और इसका जो प्रथम पुरस्कार मिला था वो दया मेहता को मिला था। त्रिनाले इंडिया का जो आयोजन हुआ था वो 1968 ईस्वी में हुआ था। और ये कला समाज तथा ललित कला और ललित कला कंटेम्प्रेरी भी प्रकाशित करती है। इस तरह आप हमारे वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।